दोस्तों गुड इवनिंग। आज हम लोग बना क्या बनाएंगे? सूजी का मिठाई, ओडिया में कहते हैं पीठा, सूजी का पीठा, स्टीम वाला सूजी का पीठा। अभी वायरस बाहर में बढ़ चुका है, दुनिया बहुत खतरनाक हो चुका है, जिसके लिए बाहर जाना आना मुश्किल हो गया है। बच्चा घर में रहते हैं तो परेशान करते हैं खाने के लिए, बाहर जाएंगे तो सैनिटाइज करो, डिस्टेंस मेंटेन करो, बहुत कुछ बात रहता है। जो जा रहा है डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, बीच बीच में सैनिटाइज भी हो रहा है। मैं आज इसी के लिए बच्चा को मनाने के लिए घर में आज सूजी का स्टीम वाला मिठाई बनाने जा रही हूँ। और क्या करना है दोस्त, पहले कढ़ाई में थोड़ा सा पानी रख दीजिए, उसको गर्म करने दीजिए। बाद में ये जो चीनी शुगर देख रहे हैं, थोड़ा शुगर डाल दीजिए। वो शुगर जब पानी मिल जाए तो वो नारियल को डाल दीजिए, वो तैयार हो जाएगा स्वीट, उसको हम लोग कहते हैं नारियल वाला स्वीट। तब तो स्वीट नारियल वाला स्वीट हो जाएगा, 10-15 मिनट लगेगा होने के लिए, बाद में सूजी को रेडी करेंगे। हाँ, हमारा रेडी हो गया वो स्वीट वाला सूजी का अंदर देने के लिए मिठाई, वही मिठाई का उस उड़िया में कहते हैं पूरो। हाँ, अभी सूजी डायरेक्टली मत दीजिए, थोड़ा फ्राई करके पीठा बनाएंगे। ये 1/2 kg सूजी, यहाँ को थोड़ा फ्राई कर देंगे तब तो अच्छा होगा। करती हूँ, फ्राई करती हूँ। अभी मेरा सूजी थोड़ा फ्राई हो गया है, इसको पीठा बनाएंगे तो एसिडिटी नहीं बनेगा। अभी हो गया है, मैं बंद कर देती हूँ। थोड़ा सा पानी कढ़ाई में रख दीजिए, उसमें रखने के बाद गर्म होने दीजिए, गर्म होगा तो सूजी डालना है। अभी नमक डालिए, जितना जरूर स्वाद अनुसार नमक डालिए। हो गया है, मेरा पानी गर्म हो चुका है। अभी हम लोग सूजी डालेंगे, जितना चाहिए सूजी डालना है, जितना पानी को होगा ऐसे लगा दीजिए। और थोड़ा मैदा डालेंगे, मैदा भी जितना चाहिए उतना मैदा डालेंगे। मैदा में पीठा को स्मूथ करता है, ये मैदा है, मैदा को पीठा को स्मूथ करता है, पीठा अच्छा स्मूथ लगेगा। अभी ऐसे चलाते रहिए जब तक पानी सूख नहीं गया है, इसमें पक जाएगा। ऐसे पकड़िए, पकड़ के ऐसे मारते जाइए जब तक पानी सूख नहीं गया है। सूख गया ऐसे मारिए, मारते मारते हो जाएगा, ऐसे पूरा सूखना होगा। सूखने के बाद हम लोग गोल गोल करके बनाएंगे, ऐसे बनाना है। तब तक सूजी भी पक जाएगा, स्वादिष्ट भी हो जाएगा, ऐसे ऐसे बनना है, हो जाएगा हमारा पीठा लगभग होने वाला है, पूरा सूख जाएगा। तब तो भी पीठा बनाने के लिए सूजी मैदा मेरा पक चुका है, अभी मैं बनाऊंगी। ऐसे गोली बना लीजिए, अच्छा से मिला के गोली बना लीजिए। बाद में थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐसे ऐसे करके पूरा स्मूथ कर लीजिए। ऐसे हो गया, उसमें रखने के लिए स्वीट, हम लोग को भी स्वीट रखेंगे, जो बना हो बनाए थे स्वीट इसी में इसे रख देंगे। रखने के बाद ऐसे बना लीजिए, इसका ऊपर ऐसे ढक के ऐसे दबा दबा के सुंदर करके रखिए, हो जाएगा। वो उसमें अंदर सूज दे के इसे बंद कर लीजिए, हो गया।
हेलो दोस्त, इतना पानी कुकर में रख दीजिए, इसको उसका ऊपर रख दीजिए। रखने के बाद वो मेरा राउंड और शेप करके मैं बनाया है, उसी में धीरे धीरे रख लीजिए स्टीम के लिए। जब स्टीम पक जाएगा तब तो खाने के लायक हो जाएगा, और स्टीम वाला मीठा हो जाएगा। ऐसे सुंदर सुंदर करके रख दीजिए। बाद में 30 मिनट्स के बाद हमारा पिठा रेडी हो जाएगा। उसको ऐसे रख के एक कटोरा उसको ढक दीजिए। जब 30 मिनट्स हो जाएगा पिठा खाने के लिए रेडी हो जाएगा। अभी मेरा पिठा रेडी हो गया। ऐसे स्टिक मार के देखिए आपका पिठा रेडी हुआ है नहीं, इसमें कुछ लगा है कि नहीं लगा है। नहीं लगा है तो पिठा रेडी हो गया है। सूजी वाला पिठा रेडी हो गया। इसको उतार लीजिए, उतार के नीचे रख लीजिए। देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।